आप अगर ये डेट सिर्फ थोड़ा सा चखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खजूर का सिर्प खाने में कितना लाजवाब होता है। इसके फायदे की बातें तो बहुत हैं, पर डेट सिर्फ खाने में भी इतना टेस्टी होता है कि क्या कहने। खजूर सिर्प सेफ और नेचुरल वे है किसी भी खाद्य पदार्थ की मिठास बढ़ाने के लिए। चाहे दूध में डाल लें, चाहे दलिये में डाल लें, चाहे तो ब्रेड में या रोटी पर लगा के भी हम बच्चों को खिला सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जहां आपको मिठास की आवश्यकता हो वहां आप इसे यूज कर सकते हैं। खजूर बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है, बट एक निश्चित क्वांटिटी में ही ये डेट सिर्फ बच्चों को दिया जाना चाहिए, नहीं तो बेनिफिट के बजाय दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। अब ये नहीं जब भी आप बच्चों को दूध पिलाएं हर बार ये डेट सिर्फ बच्चों को दूध में मिला के दे, एक निश्चित क्वांटिटी में और एक बार अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद ही आप बच्चों को डेट सिर्फ देना शुरू करें। और यदि आपके बेबी ने अभी अभी सॉलिड फूड स्टार्ट किया तब तो और भी जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श लें कि कितनी मात्रा में डेट सिर्फ बच्चों को दे सकते हैं। सामान्यतः आप एक छोटा चम्मच एक गिलास दूध में मिलाकर बच्चों को दिन में एक बार दे सकते हैं। चलिए जल्दी से अब ये देख लेते हैं कि कैसे बना सकते हैं हम डेट सिर्फ घर पे बड़े आसानी से। डेट सिर्फ बनाने के लिए मैंने यहाँ सीडलेस खजूर लिए हैं। आप चाहें तो सीड वाले खजूर भी यूज कर सकते हैं। बस करना क्या है, आपको खजूर को अच्छे से धोना है, फिर उसके बीज निकाल लेने हैं अगर आप सीड वाले खजूर खरीदते हैं तो। सिरप बनाना स्टार्ट करने से पहले आपको 3-4 गिलास के लगभग पानी गर्म कर लेना है। ये यहाँ अब मैं इन खजूरों में ये गर्म पानी मिला रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे एक घोल तैयार करना है। ये मैंने खजूरों में आधा गिलास के लगभग पानी डाला है। पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए तभी खजूर अच्छे से मेल्ट हो पाएंगे। अब आप फोक की हेल्प से इसे इस तरह मिक्स कर लीजिए। क्योंकि यहाँ मैंने फोक लिया है तो इससे खजूर को पानी में मिक्स करना काफी इजी हो जाता है। अब मैं यहाँ थोड़ा पानी और ऐड कर रही हूँ क्योंकि घोल गाढ़ा हो गया है, तो थोड़ा और पानी ऐड किया है। फिर फोक से इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये घोल फिर से काफी गाढ़ा हो गया तो एक बार और थोड़ा पानी डाल के इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने फिर से गर्म पानी डाला और फिर से इसका घोल पतला करके खजूर को फोक से इस तरह मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ थोड़ी देर इस मिक्सचर को ऐसे यहाँ ढक के रख दिया है, इससे खजूर और अच्छे से गर्म पानी में मेल्ट हो जाएंगे। एक घंटे के बाद अब हमें इस खजूर के मिक्सचर को छानना है। छानने के लिए आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे ये आटा छलनी बेस्ट लगती है तो यहाँ पर मैं इसे ही यूज करूंगी। सारा मिक्सचर छलनी पर डालकर फोक से अच्छे से प्रेस करके इसका सारा जूस इस तरह छान लेना है। ये पहली बार का खजूर का घोल निकल गया है। अब एक बार और इस खजूर पल्प को फिर से गर्म पानी डालकर और उसका घोल और तैयार कर लेंगे। सेम वही करना, फोक से मसल कर खजूर का रस निकालना है। पानी अब थोड़ा हल्का ठंडा हो गया तो यहाँ पे मैं इस पल्प को हाथ से मसल कर इसका रस निकाल रही हूँ। देखिए दूसरी बार में भी कितना गाढ़ा घोल बना है। और अब एक बार और लास्ट टाइम इसको फिर से गर्म पानी में घोलकर इसके जूस को छान लेंगे। खजूर को हमने 3 बार पानी में घोला है, छाना है, जिसे खजूर का सारा रस इस पानी में अच्छे से घुल गया है। और ये बचा है खजूर पल्प। अगर आप इसे जरा सा टेस्ट करेंगे तो ये आपको एकदम फीका सा लगेगा, इसमें जरा सा भी मिठास नहीं बची। ये खजूर का रस तैयार हो गया। अब हम इसको गैस पर बॉईल करने के लिए रख देंगे। गैस हमें लो मीडियम रखनी है और इसको करछी से चलाते रहना है क्योंकि जब घोल गाढ़ा होगा तो इसके नीचे लगने का डर रहता है, इसलिए इसे ऐसे करछी से हिलाते रहेंगे।
हमें 15 से 20 मिनट हो गए इस सिरप को उबालते हुए, और ये देखिए अब हमारा खजूर सिरप बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए डेट सिरप शहद जैसे गाढ़ा तैयार हो गया है। अब आप इसे ऐसे ही थोड़ी देर ठंडा होने दें। ये अभी भी हल्का गर्म है तो इसे हम एक कांच के बाउल में निकाल लेंगे। फाइनली डेट सिरप बनके तैयार है और बिल्कुल भी गर्म नहीं है, तो अब हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं। इस सिरप को अब हम एक कांच के जार में निकाल के फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। बस एक बार की मेहनत है इस खजूर सिरप को बनाने की, और फिर हफ्ते भर के लिए आराम। अब बच्चों को सर्दियों में दूध में मिलाकर पिलाइए ये डेट सिरप। बस क्वांटिटी का ध्यान रखिए, क्योंकि डेट्स में फाइबर और कैलोरीज बहुत ज्यादा होते हैं, तो जरूरत से ज्यादा इसका यूज कई सारे साइड इफेक्ट्स भी कर सकता है, जैसे कि वेट गेन या फिर डाइजेस्टिव ट्रबल। तो मॉडरेट क्वांटिटी बेस्ट है इस बेस्ट फ्रूट को अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए। तो ये थी हमारी डेट सिरप की वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिएगा जहाँ पे आपको लगे इस तरह की वीडियो की जरूरत है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मिलते रहेंगे आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।